जहां निकाय चुनाव से पहले अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के लोगों ने राजधानी लखनऊ में बैठक का आयोजन किया, जिसमें निकाय चुनाव में पदस्थ आपको बता दें कि कायस्थ समाज की भूमिका पर चर्चा की गई। निकाय चुनाव में कायस्थ समाज की क्या रणनीति रहेगी, इस पर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने इस समाज के नेता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कायस्थ समाज के लोगों ने एक बैठक की है। बैठक में क्या कुछ खास है, क्या उद्देश्य है, बैठक में क्या कुछ खास है, क्या उद्देश्य है कायस्थ समाज का? देखिए, राजनीति में कायस्थ समाज पिछड़ता चला जा रहा है, इसलिए लखनऊ जिले के जनपद के सभी कायस्थ संगठनों एकजुट होकर ये कहा कि मेयर के लिए हमको प्रत्याशी घोषित किया है कि आप मेयर के लिए आगे आइए और भाजपा से टिकट लेके चुनाव लड़िए। बैठक में आज क्या कुछ रहा? बैठक में लखनऊ की जितनी समितियां हैं कायस्थों की, वो एकजुट होके मिस्टर संजीव वर्मा को अपना समर्थन दे रहे हैं। यही नहीं, ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, ये भी हमारे साथ खड़े हैं और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है, जो अभी तक ऐसे नहीं पहुँची थी, वो पहुँचे। और अगर हम लोग को देते टिकट मिलता है तो हम सारी ये सारी सभाएं सब एकजुट होके सारा समर्थन दे रही हैं कि विजय बनाने में पूरा कोशिश कर रहा है। काय समाज ने चुनाव से पहले, निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक की है राजधानी लखनऊ में, क्या है प्लानिंग किया? सबको साथ में लेके चलना है और ये एक छोटा सा एफर्ट है हमारा, ये बस बताने के लिए, जाहिर करने के लिए कि हम पूरे समाज को, चाहे वो जिस भी कास्ट का हो, जिस भी रिलीजन का हो, उन सबको साथ में लेके चले। बीजेपी से मेयर का चुनाव लड़ाना चाह रहा हूँ, जो 20 वर्ष से वो कार्य कर रहे हैं बीजेपी का, और एक कायस्थ समाज का चेहरा निकल के आएगा। जैसे राय साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, वैसे ये भी काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कायस्थ समाज के लोग, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कायस्थ समाज की भी राजनीति में हिस्सेदारी होना चाहिए और इस बार मेयर के चुनाव में कोई उनकी ही समाज का होना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अविनाश।